हेलो एवरीवन, दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत आसान नुस्खा, घरेलू नुस्खा। इसे अपनाकर आप यकृत की लत से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रेमेडी हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि कैसे आप इसे बनाकर यकृत की लत से छुटकारा पा सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल हर व्यक्ति शराब के कारण कितना ज़्यादा परेशान है, कितना ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है। तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि व्यक्ति की लत छूटे और व्यक्ति हमेशा के लिए शराब छोड़ दे, कभी भी शराब ना पिए। दोस्तों शराब में निकोटीन अल्कोहल और एसिड की मात्रा इतनी अधिक होती है, इसकी वजह से व्यक्ति की जो लत है वो खत्म नहीं हो पाती, व्यक्ति की लत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि व्यक्ति की लत छूटे और व्यक्ति कैसे हमेशा के लिए शराब छोड़ दे, कभी भी शराब ना पिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं। घर से मिलने वाली कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम व्यक्ति की लत से छुटकारा पा सकते हैं, व्यक्ति की लत को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं और इस लत से हमेशा के लिए दूरी बनाकर शराब को हमेशा के लिए अपने आप से, अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपको करना क्या है जिससे कि व्यक्ति की लत छूटे और व्यक्ति हमेशा के लिए शराब छोड़ दे, कभी भी शराब ना पिए। दोस्तों अब आपको करना क्या है, एक ग्लास पानी लेना है। जी हाँ दोस्तों, एक ग्लास आप पानी ले लीजिए और वहीं दोस्तों एक खाली बाउल में आप इसे एक ग्लास पानी को डालकर गैस पर रख दीजिए, गैस को ऑन कर दीजिए। ये पानी जब तक गर्म होता है, यानी कि उसे गर्म होने दीजिए, तब तक आपको क्या क्या लेना है आइए जानते हैं। दोस्तों सरसों, सरसों तो आप और हम सभी के घर में होती है, सरसों का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों सरसों और सेकंड है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग भी आप और हम सभी के घर में होता है, लौंग का इस्तेमाल भी यहाँ पर करना है। अब पानी जब तक बॉयल होता है, हमें आपको करना क्या है, इसमें आपको क्या क्या डालना है। जी हाँ दोस्तों, सरसों आपको एक चम्मच डालनी है। जी हाँ दोस्तों, सरसों अपने आप में एक फ़ायदेमंद है, आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है, तो आप देख लीजिएगा हम एक चम्मच इसमें सरसों डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चम्मच आप इसमें सरसों डाल दीजिए। वहीं आपको दोस्तों आप देख लीजिए पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है, वहीं आपको दो से तीन लौंग आपको यहाँ पर डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, दो से तीन लौंग डाल देना है। इस पानी को अच्छे से बॉयल होने देना है। कब तक बॉयल होने देना है, तब तक कि ये आधा ना हो जाए। हमने एक गिलास पानी लिया है, इस पानी को तब तक आप बॉयल कर लीजिए तब तक कि ये आधा ना हो जाए। आधा ग्लास जब ये पानी बच जाएगा, जी हाँ, आप इसमें दोस्तों आपको नींबू के गोल स्लाइस भी डालना है और चुटकी भर इसमें आपको सॉल्ट यानी कि नमक डालना है। वही नींबू के गोल स्लाइस कर आप डाल दीजिए। इसे अच्छे से बॉयल होने दीजिए, अच्छे से आप इसे उबलने दीजिए। आप देख सकते हैं अच्छे से उबल जाएगा। तो इस पानी को आपको करना क्या है, अब हम आपको दिखा देते हैं। इस पानी को, इस गैस को हम बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसे दोस्तों आपको छान लेना है और इस प्रकार से ग्लास में आपको दोस्तों डाल लेना है। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका, थोड़ा सा पीलापन पे हमारा वो आ चुका है। और आप देख सकते हैं सरसों भी फूल कर बड़ी हो चुकी है, यानी कि इसका जो अर्क है वो पानी में मिल चुका है। इस पानी को अगर